हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में विश्व वन्य जीव कोष WWF ने अपनी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्य जीव आबादी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में कितनी गिरावट आई है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 73%। हाल ही में विश्व वन्य जीव कोष ने अपनी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्य जीव आबादी में कितनी गिरावट आई है, तो 73% ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज की, तो WWF ने। जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया किसमें देखा गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, कितना 85%। इसके बाद आपका है टेरेस्ट्रियल में कितना 69% और मरीन में आपका 56%। इसके अलावा आपका जो पोल्यूशन है ये एडिशनल थ्रेट है, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के लिए। कहाँ पे, एशिया एंड द पैसिफिक, तो ये भी याद रखना है। पॉल्यूशन इज एन एडिशनल थ्रेट फॉर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। इसके अलावा जो आपका लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 आया हुआ है, WWF ने रिलीज किया है, ये 15वां एडिशन था और ये बाई इंडियल है, मतलब द्विवार्षिक है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सेना प्रमुख ने किस शहर में अग्नियस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नियस्त्र मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस लॉन्च किया, तो गंगटोक में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में सेना प्रमुख ने किस शहर में अग्नियस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण लॉन्च किया, तो गंगटोक में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है, तो 14वें नंबर का ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है, तो सही आंसर क्या होगा, 14वां ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा। बाकी के कौन कौन है, तो आपका भेल है, BPCL है, कोयल इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड है, HPCL है, IOCL है, NTPC है, ONGC है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, PGCIL है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपका सेल हो गया, फिर आपका हो गया REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, OIL हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और 14वें नंबर का कौन बना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। इसके अलावा आपको याद रखना है जो इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 था, को ऑर्गेनाइज बाई ICFA एंड IIT रोपर, कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट का आयोजन स्थल कहाँ था, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वियंतियाने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर देश का नाम पूछते तो लाओ PDR, जहाँ पे आपका 21वां आसियान इंडिया समिट हुआ था, मोदी जी गए थे। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था, तो वियंतियाने, और अगर देश पूछते तो लाओ PDR। अब यहाँ से कुछ ईस्ट एशिया समिट के बारे में देख लेते हैं। जो ईस्ट एशिया समिट है आपका, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2005 में, और इसमें 18 सदस्य है, 10 तो आपके आसियान के हो गए, 10 आसियान सदस्य देश है, और बाकी के 8 कौन है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका। और आसियान में कौन है, तो ब्रुनेई दारुसलम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओ PDR है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। इसके अलावा अभी हाल ही में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ, वियंतियाने, लाओ PDR में।
आसियान का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये आपसे एग्जाम में पूछता है। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं आसियान के बारे में। 8 अगस्त 1967 को पांच नेता इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्री बैंकॉक थाईलैंड में विदेश मामलों के विभाग भवन के मुख्य हॉल में एक साथ बैठे और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उस दस्तावेज के आधार पर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का जन्म हुआ। और जो आसियान का प्रतीक है इसमें चार कलर है, एक है आपका नीला, लाल, सफ़ेद और पीला। सभी आसियान सदस्य देशों के राज्य शिखरों के मुख्य रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीला रंग किसको डिनोट करता है, शांति को। नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग साहस और गतिशीलता को दर्शाता है। सफ़ेद रंग पवित्रता को दर्शाता है और पीला रंग समृद्धि को दर्शाता है। तो याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। कौन सा देश ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फारस की खाड़ी में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में कौन सा जहाज मनामा बहरीन पहुंचा? तो आपका INS तीर गया हुआ है और ICGS वीरा गया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। INS का मतलब क्या हुआ, इंडियन नवल शिप, और ICGS का मतलब क्या हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। फारस की खाड़ी में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में कौन सा जहाज मनामा बहरीन पहुंचा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, INS तीर और ICGS वीरा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। इसके अलावा इन एनदर पोर्ट विजिट INS शार्दुल, ये आपका कहाँ पे गया है, UAE में। कौन से पोर्ट पे, पोर्ट राशिद, जो कि UAE में है, दुबई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना कराने वाला तीसरा राज्य बन गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना। कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना कराने वाला तीसरा राज्य बन गया है, तो तेलंगाना। इससे पहले आपका आंध्र प्रदेश और बिहार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ILO के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IREA द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा और नौकरियां वार्षिक समीक्षा 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने 2023 में कितने गीगावाट सौर ऊर्जा जोड़ी, जिससे 74% की वृद्धि हुई पिछले वर्ष से? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा, 347 गीगावाट, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा। ILO के सहयोग से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा और नौकरियां वार्षिक समीक्षा 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने 2023 में कितने गीगावाट सौर ऊर्जा जोड़ी, जिससे 74% की वृद्धि हुई पिछले वर्ष से, तो 347 गीगावाट, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका रिपोर्ट आया है रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2024, ये क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए कंटिन्यूइंग कोलेबोरेशन बिटवीन द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड द ILO। तो जो आपका रिपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2024, ये किसका कोलेबोरेशन है, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ऐड हुआ है किस देश ने किया है, तो चाइना ने। चाइना अकाउंटेड फॉर 63% ऑफ द न्यू कैपेसिटीज, कितना, 216.9 गीगावाट। द रेस्ट ऑफ द टॉप 10 इंस्टॉलर्स USA, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया, स्पेन, इटली
नीदरलैंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एडेड ए कम्बाइंड 83.4 गीगावाट और चाइना ने अकेले ऐड किया है कितना 216.9 गीगावाट। अब भारत के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जॉब दिया है 2023 में कितना, तो अप्रॉक्स 1.02 मिलियन ही आपको याद रखना है। इसके अलावा हाइड्रो पावर वाज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द रिन्यूएबल सेक्टर इन इंडिया, ये भी याद रखना है। हाइड्रो पावर वाज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द रिन्यूएबल सेक्टर इन इंडिया। चाइना के बाद जो सबसे ज़्यादा जॉब दिया है किसने दिया है, आपका इंडिया ने दिया है हाइड्रो पावर में, सेकेंड ओनली टू चाइना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो की पॉइंट है वही हम लोग देखेंगे। इंडिया एडेड 9.7 गीगावाट ऑफ सोलर पीवी कैपेसिटी इन 2023 एंड रैंक्ड फिफ्थ, ये याद रखना है, एंड रैंक फिफ्थ ग्लोबली फॉर न्यू इंस्टॉलेशन एंड क्यूमुलेटिव कैपेसिटी विच रीच्ड 72.7 गीगावाट बाय द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट आते हैं, भारत सेकेंड लार्जेस्ट पीवी मैन्युफैक्चरर है इसके बाद चाइना के बाद। इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट पीवी मैन्युफैक्चरर ग्लोबली आफ्टर चाइना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इंडिया हैड ए क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी ऑफ 44.7 गीगावाट इन 2023 और वैश्विक स्तर पर रैंक कितनी है भारत की इसमें, तो वैश्विक स्तर पे भारत चौथे स्थान पे है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। द कंट्री एडेड 2.8 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी इन 2023। इंडिया एट ए क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी ऑफ 44.7 गीगावाट इन 2023, रैंकिंग फोर्थ ग्लोबली। द कंट्री ने कितना ऐड किया विंड कैपेसिटी में 2023 में, तो ऐड किया है 2.8 गीगावाट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरमनप्रीत कौर ने IWLF भारोत्तोलन प्रतियोगिता में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो 76 केजी में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हरमनप्रीत कौर ने IWLF भारोत्तोलन प्रतियोगिता में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 76 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अतिरिक्त सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एल सत्य श्रीनिवास को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अतिरिक्त सीईओ एडिशनल सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एल सत्य श्रीनिवास, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस मंत्रालय ने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो किसने किया है, विदेश मंत्रालय ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किसने किया, तो एस जयशंकर जी ने, ये भी आपको नाम याद रखना है। किस मंत्रालय ने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो विदेश मंत्रालय ने, और किसने किया, एस जयशंकर जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जुलाई 2024 में केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जिले में एक एक्स बैंड रडार स्थापित करने की मंजूरी दी। एक्स बैंड रडार की आवृत्ति रेंज क्या है, तो जो आपका एक्स बैंड रडार है ना, ये आपका यूज करता है रेडियो वेव्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 8 to 12 गीगाहर्ट्ज, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका एक्स बैंड रडार है, यहाँ पे एक्स बैंड रडार ही आपका देता है हाई रिजोल्यूशन इमेज देता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, हाई रिजोल्यूशन इमेज देता है। और क्यों देता है, क्योंकि वेवलेंथ होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, वेवलेंथ इसका कम होता है, तो ये क्या देता है, हाई रिजोल्यूशन इमेज देता है। लेकिन एक और पॉइंट आपको याद रखना है, बट डोंट ट्रेवल फार, कि काफ़ी दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता, सिग्नल वीक हो जाता है, तो इसको याद रखना है, बट डोंट, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है आपका, कम होता है, बट डोंट ट्रेवल फार।
यहाँ से एग्जाम में आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछ सकता है, ये याद रखना है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ होता है, जो एक्स बैंड रडार होता है इसका यूज कहाँ होता है, तो वेदर मॉनिटरिंग में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, मैरीटाइम वेसल ट्रैफिक कंट्रोल में, डिफेंस ट्रैकिंग में, व्हीकल स्पीड डिटेक्शन फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। तो ये याद रखना है कि एक्स बैंड रडार का यूज कहाँ होता है, तो वेदर मॉनिटरिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मैरीटाइम वेसल ट्रैफिक कंट्रोल, डिफेंस ट्रैकिंग और व्हीकल स्पीड डिटेक्शन में। इसके अलावा आपका एक होता है एस बैंड। तो एस बैंड और एक्स बैंड रडार में क्या फर्क है, तो एस बैंड जो होता है ना आपका, एस बैंड का आपका होता है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। ये जो आपका है एस बैंड जो रडार होता है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, और जो आपका एक्स बैंड रडार है इसका होता है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एस बैंड और एक्स बैंड रडार में जो हाई रिजोल्यूशन इमेज देता है वो कौन देता है और क्यों देता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ITU विश्व दूर संचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ITU का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ITU विश्व दूर संचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया किसका, तो 8th edition ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस ड्यूरिंग द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसके अलावा ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है ये हर एक 4 साल पे होता है, ये जो ऑर्गेनाइज होता है WTSA इज द गवर्निंग कॉन्फ्रेंस फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन वर्क ऑफ द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU एंड ऑर्गेनाइज एवरी 4 ईयर। तो ये की पॉइंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम डेट द ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन WTSA इज बिंग होस्टेड इन इंडिया एंड द एशिया पैसिफिक। तो एक बहुत बड़ी बात है, और ITU जो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा 2 बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत लॉन्च किए गए पहले जहाज का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, समर्थक। भारतीय नौसेना द्वारा 2 बहुउद्देशीय पोत मल्टीपर्पस वेसल प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए गए पहले जहाज का नाम क्या है, तो समर्थक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इसको बनाया किसने है, तो LNT CPR ने, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सीप का नाम क्या है, समर्थक है। और जो आपका ये मल्टीपर्पस वेसल है कैन अचीव ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ तो 15 knots, और ये लंबा कितना है, 106 मीटर लंबा है और 16.8 मीटर आपका वाइड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को THAAD मिसाइल प्रणाली भेजने का निर्णय लिया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि THAAD का मतलब क्या है, तो THAAD स्टैंड फॉर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। THAAD थर्ड स्टैंड फॉर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, और इसको बनाता कौन है, तो डेवलप्ड बाय लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, ये भी याद रखना है। और ये बेसिकली क्या है, तो जो आपका थर्ड है इज एन एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और ये क्या यूज करता है, कम्बिनेशन ऑफ रडार एंड इंटरसेप्टर्स। अच्छा, रडार का मतलब क्या होता है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्या करेगा, जो आपका शॉर्ट मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एस परमेश को किसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षा का, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस शहर ने एससीओ शासन अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक की मेजबानी की, तो इस्लामाबाद। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस शहर ने एससीओ शासन अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक की मेजबानी की, 23rd मीटिंग, ये भी याद रखना है, तो इस्लामाबाद ने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत की तरफ से कौन गए थे, एस जयशंकर जी। अब एससीओ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एससीओ आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था, 15 जून 2001, ठीक है। एससीओ में मेंबर कंट्री कितने हैं, 10। बेलारूस आपका 10th मेंबर बना था, ये भी याद रखना है। और पहले बेलारूस से पहले 9 मेंबर थे, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ऑब्जर्वर कंट्री कौन है, तो अफगानिस्तान और मंगोलिया जो है, इन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला है एससीओ में, तो ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया, तो कामिंदु मेंडिस को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किससे नामित किया गया, तो कामिंदु मेंडिस। और महिला में किसे मिला है, तो टैमी ड्यूमोंट को। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, टैमी ड्यूमोंट। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक आईक्यू करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।